बाल विकास परियोजना द्रंग के तत्वावधान में पोषण माह के अंतर्गत मंडल मुख्यालय पधर में खंड स्तरीय जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीडीपीओ गीता बिस्ट ने की। एसडीएम शिव मोहन सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान एसडीएम शिव मोहन सैनी ने कहा कि पोषण माह के अंतर्गत पोषक तत्वों की अहमियत बारे आम लोगों को जागरूक करना इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि कोई भी परिवार पोषक तत्वों से महरूम न रहे, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। हर गर्भवती को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। उन्होंने महिलाओं से नशे की रोकथाम को लेकर आगे आने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नशा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। कई परिवार नशे के कारण टूट चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से नशे पर रोकथाम को लेकर अपनी अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी देने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा। राष्ट्रीय पोषाहार अभियान का ही हिस्सा हर वर्ष रहता है पोषण माह, और पोषण माह में हमारा यही मुख्य लक्ष्य रहता है कि जो गांव में गांव-गांव तक जन जन तक घर घर तक पोषाहार की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो अहमियत है, वो लोगों तक पहुंचे। पोषण हमारे लिए कितना ज़रूरी है और जो 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 भी उससे संबंधित बीमारियां हैं उससे भी हमारा बचाव, जो हमारे लोगों का जो है बचाव हो सके, इसके लिए आज हम जो है एक रैली के माध्यम से जो है लोगों को जागृत करने जा रहे हैं कि वो इस पूर्ण पोषाहार माह के दौरान जो है पोषाहार की अहमियत को अपने जीवन में समझें और विभाग को भी जो है वो मदद करें पूर्ण पोषाहार माह को सफल बनाने में।